हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम हिस्ट्री ऑफ यूएसए का 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। वन ऐसे डिस्कस करेंगे तो नॉर्मली टीचर्स सिर्फ सरफेस पे बात बता देते हैं। डिस्कस करने का मतलब यही होता है कि आप क्वेश्चन का जवाब लिखना कैसे, वो कम से कम स्टूडेंट को जरूर बताएं। आप उसके अंदर की पॉइंट आप बता दें, स्टूडेंट फिर उसको बुक से एक्सप्लोर करे, नोट्स में देख ले। ले जी, शुरू करते हैं इसको। बड़ा मजेदार और प्रोबेबली सबसे टफ पेपर हिस्ट्री ऑफ यूएसए का 2019 का पेपर। पहला इसमें जो सवाल है वो, व्हाट वर द इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रेसिडेंट क्लिंटन, और दूसरा फिर उसका जी कि उसने फिर इनको डील कैसे की, हाउ ही डेल्ट विद देम। नाउ मेक श्योर, पहले तो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे क्या, और वो लार्जली प्रेसिडेंट रेगन और प्रेसिडेंट बुश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ऑफ अंडर द बैनर ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म, उनको आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, उनका इम्पैक्ट हाईलाइट करेंगे, ठीक है जी। एंड हाउ द वेल्दी अमेरिकन वेल्दी क्लास वो बेनिफिट होती रही, एंड यू विल हाईलाइट द लो वेज लेबर वो कैसे जो है उस पर इसका इम्पैक्ट हो, इस कॉन्टेक्स्ट में वो आया रूल में। और जब वो रूल में आ रहा है तो रूल में आने के बाद फिर उसकी क्या एफर्ट्स थी। तो पहला जो सीरियस इशू था रूल में आने का, वो तो उसको था फिर कांग्रेस से, बिकॉज कांग्रेस के साथ उसकी काफी इशू हुए। इतने इशू हुए कि दो ऐसे बजट हैं उसकी पहली टर्म के कि जिस पे कांग्रेस और प्रेसिडेंट की आपस में टाई अप नहीं हो सकी, रिजल्टेंटली एक कंप्लीट शटडाउन ऑफ बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट कि भाई कंप्लीट शटडाउन करते हैं। ये बड़ा मजेदार कल्चर है शटडाउन का यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में। फाइनेंशियल जब डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं ओवर द बजट बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कांग्रेस, तो उससे ही गॉट पॉपुलैरिटी, एंड आउट ऑफ दैट पॉपुलैरिटी फिर जो उसने एक्टिविटीज की वो आपने उनको हाईलाइट करना है। फॉर इंस्टेंस आपने हाईलाइट करना है जनाब, हाउ ही टैक्स्ड वेल्दी अमेरिकन, वेल्दी अमेरिकन्स पे जो टैक्स था उसने वो टैक्स इंक्रीज किया जी, ठीक है जी, वेल्दी अमेरिकन। फिर आपने बताना है जनाब कि क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट दिए जी इसने किसको, वो टैक्स क्रेडिट दिए इसने, इसने लो इनकम अमेरिकन को टैक्स क्रेडिट भी प्रोवाइड किए। कैसे किया ये आपने, एलन ब्रिंकले को खोल लें, गैरी लैश को खोल लें, चार चार पांच पांच लाइनों में आप बता रहे। इसके अलावा उसका फिर आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड, उस फ्री ट्रेड जो उसने खास तौर पे नेफ्टा का कॉन्टेक्स्ट और उससे फिर कैसे अमेरिकन इकोनॉमी बेहतर करवाई उसने। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसकी बेगम की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर बिल, हेल्थ केयर सिस्टम भी लिखा जाता है, उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट हुआ। फिर इन तमाम एक्टिविटीज से जाहिर है उसने लार्जली आपसे डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में ही, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ही चीजों को पूछा। फिर इन तमाम कॉन्टेक्स्ट के साथ हिज बिड टुवर्ड्स डब्ल्यूटीओ, कैसे उसको जो है वो उसने कंसेंसस डेवलप करवाया, रेगुलेट करवाया, एंड देन उसकी इन तमाम एक्टिविटीज की वजह से इन द 30 years ऑफ प्रीवियस 30 years ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री पहली दफा बजट सरप्लस में भी गया। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि 1920s का जो दौर है ग्रेट डिप्रेशन से पहले वाला, उसमें और 1990s 1995 से 2000 तक का जो फेज है, ये वो फेज है कि जो बहुत लोएस्ट पॉइंट पे विटनेस, लोएस्ट पॉइंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इतना इम्पैक्ट है जी इन दो फेजेस का। सो नो डाउट उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और उनको उसने बड़े अच्छी तरह एड्रेस किया। अब इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं मोनिका लुइंस्की और पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी के अदर एस्पेक्ट्स, तो उनको लिखेंगे तो टाइम जाया करेंगे और सवाल में वो जवाब बनता भी नहीं। सो टू द पॉइंट स्पेसिफिक रह के आपने जो है वो जवाब देना, और मैं भी कोई इतना बड़ा अलावा नहीं हूँ, ये सब गैरी नैश में और एलन ब्रिंकले में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसके पोर्शन में जाके। आप कोई तीसरा सोर्स भी देखने चाहते हैं तो अच्छी बात है, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन जो मैं, मेरा सोर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
अच्छा जी, अगला सवाल जी, अगले सवाल में वो कहता है जना, व्हाट वर द फैक्टर्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन, मैसाचुसेट्स बे, प्लेमाउथ, कनेक्ट, और उसके बाद आपका न्यू हेवन कॉलोनीज। अच्छा जी, 1643 में ये न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन बनी। बहुत ही मजेदार सवाल है, यानी कि अमेरिकन हिस्ट्री को स्टूडेंट ने डिटेल में पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये सवाल बड़ा मजेदार। इस सवाल का जवाब बजाते खुद एक पूरा लेक्चर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग करवा दूं। लेट अस अज्यूम के ये अर्ली जो 13 कॉलोनीज हैं, जो जाहिर है अटलांटिक के साथ साथ बनी, इनको आप सदर्न कॉलोनीज में भी कह देते हैं, फिर इनको आप मिडिल कॉलोनीज कह देते हैं, और ऊपर वाला आप न्यू इंग्लैंड कह देते हैं। सो एक बात तो डन, ये यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की तो बात ही नहीं हो रही। ओके ठीक है, यहाँ की बात हो। अब क्या आपको पता है कि न्यू इंग्लैंड के एरियाज कैसे डेवलप हुए थे? तो डायरेक्ट क्राउन ने तो ये डेवलप ही नहीं किए थे, ऑफकोर्स प्लेमाउथ कंपनी थी, लेकिन प्लेमाउथ कंपनी बड़ा स्लो और लेट रिएक्ट हुई थी। 1620 में मेफ्लावर ये शिप का नाम था जो कि प्रोटेस्टेंट्स को लेके यहाँ आया, इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स को, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ये खुद ही आबाद हुए। और फिर यहाँ पर जो आबादी बढ़ी मैसाचुसेट्स में, फिर न्यू हैम्पशायर में, फिर कनेक्टिकट में, फिर उसके बाद रोड आइलैंड में, इन एरियाज में ये अब आहिस्ता 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 आहिस्ता, और ये जो बढ़ती गई, मेरा यूट्यूब पे अर्ली लेक्चर जो मैंने कुछ यूट्यूब पे रखे हुए अमेरिकन हिस्ट्री के, आपको उनमें इसकी डिटेल भी मिल जाएगी, उसको जरूर देखिएगा। अब जैसे जैसे ये डेवलप होते रहे, इसके बाद फिर प्लेमत कंपनी आई। जब प्लेमत कंपनी आई तो उसने थोड़े से एरियाज में अपने नाम से, प्लेमत के नाम से एरियाज डेवलप कर लिए। अब इन तमाम को इससे ऊपर बैठे हुए हैं, सॉरी, यहाँ इससे ऊपर के एरियाज में यहाँ पे फ्रेंच मौजूद हैं, इस तरफ के एरियाज में इंडियंस मौजूद हैं, और ये वाला जो रास्ता है जो आज हम आप कह लें कि जिसमें डेलवर है, थोड़ा सा मैरीलैंड का इलाका, फिर ऊपर न्यूयॉर्क तक का, ये इलाके डच के पास थे जी। सो इन एरियाज में बैठे लोगों को कभी डच से मसला रहता था, कभी इंडियंस के साथ मसला रहता था, तो हम करें क्या? और आपस में भी प्रोटेस्टेंटिज्म में भी डिफरेंसेस की वजह से आपस में डिवाइड थी। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो 1640s का एरा है, ये ब्रिटिश हिस्ट्री में बड़ा मजेदार है। ब्रिटिश हिस्ट्री में चार्ल्स वन और जो पार्लियामेंट है उसके दरमियान इख्तलाफात, फिर आगे चल के चार्ल्स टू और डिक्टेटर्स के दरमियान, ओलिवर क्रॉमवेल के दरमियान इख्तलाफात, इस टाइम में यहाँ पे ये जितने छोटे छोटे एरियाज, मैसाचुसेट का, प्लेमत के लोग भी बैठे, कनेक्टिकट में, न्यू हेवन कॉलोनीज भी, डिफरेंट छोटे छोटे कुछ इनमें से डच किस न्यू हेवन के कुछ इलाके जिनमें डच सपोर्टर भी बैठे हुए थे, इन सब ने मिलके सोचा कि भाई हमें अपनी सेपरेट ऑटोनॉमी रखनी चाहिए डच और यूके के दरमियान, ये इन एरियाज में, ये जहाँ डॉटेड मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आगे चल के अभी 1640s में ही वॉर्स भी होनी है, एंग्लो डच वॉर 1, एंग्लो डच वॉर 2, एंग्लो डच वॉर 3। उन तीनों वॉर से डेलावर, न्यू जर्सी और फिर पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क के इलाके, ये सब इनके पास, यूके के पास आ गए, डच हारते गए। लेकिन जब इनके दरमियान टसल चल रही है और ऊपर से ब्रिटेन में भी सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हुई है, तो यहाँ पे बैठे न्यू इंग्लैंड के ये लोग ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में सोच रहे हैं कि हमें मिलके कुछ करना चाहिए ताकि हम डच से भी महफूज रह सकें, हम फ्रेंच से भी, इंडियन से भी, और यूके को बाद में देख लेंगे एज अ क्राउन। सो इन हालात में ये कॉन्फेडरेशन बनी। सो ये चीज जहन में रखनी। अब कॉन्फेडरेशन तो बन गई, और जब डच का और यूके की आपस की लड़ाइयां शुरू हो गई, यूके उस वक्त ज़ाहिर ब्रिटिश ही कह लें, अब यूके तो 1707 में आईडिया आ रहा है, फर्स्ट डेकेड ऑफ 18th सेंचुरी, तो ब्रिटिश और डच के दरमियान जब यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो डच वॉर, सेकंड एंग्लो डच वॉर, तो ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ये किसी का साथ नहीं दे रहे। लेकिन उल्टी हो गई तमाम तदबीरें, डच हार गए और ब्रिटेन जीत गया, और इनकी ये जो अलहदा से फिर कॉन्फेडरेशन का आइडिया था, ये अपनी मौत आप मर गया। अब इस सारी कहानी को उसने आपसे पूछा है कि जनाब मुझे ये कहानी बताएं बस आप। सो बड़ा मजेदार, इन जिसने
जरा इन डेप्थ जाके इसको पढ़ा, लाइफ ऑफ द कॉलोनीज के सेक्शन को, तो उसमें ये मजेदार कि आप उसमें ये वाली चीजें लिख पाएंगे, वरना हमारे यहाँ नोट्स से या टीचर्स भी सरफेस पे चीजें करवा रहे होते हैं, बच्चे भी नोट्स सरफेस पे पढ़ रहे होते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ जी आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है कम से कम यार उसकी 2-3 किताबें डिटेल में, लेकिन हमारे यहाँ ना स्टूडेंट समझता है ये बात, कम ही होते हैं। एनीवेज बड़ा मजेदार सवाल है। देन जी आगे आपसे पूछता है जनाब, क्रिटिकली इवैल्यूएट दी क्या करना जी, प्रेसिडेंसी ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट विद रेफरेंस टू हिज अकॉम्प्लिशमेंट एंड फेलियर। इजी सवाल है ये तो मेरे नजदीक। एफडीआर की आपने जनाब डोमेस्टिक और जनाब आपने उसके फिर फॉरेन पॉलिसी, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आप उसकी प्रेसिडेंसी को इवैल्यूएट कर दें। डोमेस्टिक के कॉन्टेक्स्ट में उसको ग्रेट डिप्रेशन का इशू था, उससे निकलने के लिए उसने क्या दिया, न्यू डील। न्यू डील को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, फर्स्ट न्यू डील थी और फिर सेकेंड न्यू डील थी। ओके गुड, लेकिन साथ साथ अकम्पलिशमेंट तो बहुत जबरदस्त हुई आपने, जो उसकी इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, बिजनेस बढ़ा, बैंक दोबारा ओपन हुआ, न्यू डील के चैप्टर को आपने समराइज कर दिया, लेकिन थोड़ी सी फिर यू नो प्रॉब्लम्स भी। व्हाट अबाउट वुमेन इन न्यू डील, व्हाट अबाउट ब्लैक अमेरिकन इन न्यू डील, इनके बारे में ज्यादा तो नहीं चीजों को देखा गया। फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो इनिशियल डेज तो उसके न्यूट्रलिटी के कॉन्टेक्स्ट में है, न्यूट्रलिटी से ही जो उसका अम्बेसडर था टू यूके कैनेडी सीनियर, वहीं से चीज जो है वो फिर अपीजमेंट का आइडिया भी जो है वो शुरू हुआ, ये न्यूट्रलिटी चलती रही। उसने फिर लैंड लीज एक्ट का आइडिया दिया सबके लिए, लेकिन ये जो कंट्राडिक्शन थी अपीजमेंट और लैंड लीज की, इसने जनाब आपको जापानियों ने अटैक कर दिया आपके पर्ल हार्बर पे, सो आपको फिर इंटरनेशनलिज्म पे वापस आना पड़ा, पार्टिसिपेशन करनी पड़ी। सो एक मिक्स सा सवाल था, इतना कोई बड़ी मेरे नजदीक ये इस पेपर का सबसे आसान सवाल है, कोई इतना इशू नहीं। लार्जली अकम्पलिशमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स कम है, फेलियर्स कम है, लार्जली अकम्पलिशमेंट्स। लेकिन ओवरऑल आप ये भी कह सकते हैं इसके कंक्लूजन में कि एक चीज ये कि अमेरिकन यूएस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी एक बड़ा लगा कि सेटबैक लगा कि जो प्रेसिडेंट इतना पॉपुलर हो जाए, वो 4 times जो है जनाब इलेक्शन में कंटेस्ट कर गया। सो इसके बाद हम एफडीआर के बाद और वर्ल्ड वॉर टू के बाद देखते हैं कि फिर 2 times के लिए बकायदा अमेंडमेंट भी आ गया। ओके अगला सवाल बड़ा मजेदार सवाल है जी, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन वॉज द स्टोरी ऑफ। ओके साथ साथ बात करते हैं, एनेक्सेशन, कंसेशन, परचेज। ठीक है जी, परचेज कौन कौन सी की हमने, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन परचेज हमने की जनाब लुजियाना परचेज की। ओके डिटेल बता दें उसकी। फिर हमने जनाब आपकी और कौन सी परचेज की, और कौन सी की यार वो ऊपर वाले इलाके का नाम भूल गया, हाँ हाँ अलास्का, अलास्का के एरिया की परचेज की। ये आपकी बेसिक परचेज के खाने में, लेकिन लार्जली आपने लुजियाना को ही जाहिर है क्योंकि अर्ली 19 सेंचुरी का आइडिया वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का, अलास्का तो बाद 19 सेंचुरी में आपने लिया, लेकिन खैर परचेज के कॉन्टेक्स्ट में करिए। ओके एनेक्सेशन आपने कौन कौन सी की, आपने जनाब मैक्सिको के साथ वॉर की और बहुत टैक्सेस का एरिया आपके पास आ गया, उसके बाद आपके पास और कौन सा आ गया मॉडर्न निवाडा का एरिया आ गया, न्यू मैक्सिको का एरिया आ गया, उसके बाद आपके पास एरिजोना का एरिया आ गया, फिर उसके बाद आपके पास कैलिफोर्निया का एरिया भी आ गया, उसके बाद आपके पास उटा का एरिया भी आ गया। सो एनेक्सेशन से आपने लार्जली 1840s की आपकी जो है वो एनेक्सेशन के में आ गई, इनकी डिटेल बता दें, वॉर्स भी हुई आपकी मैक्सिको के साथ। बट व्हाट अबाउट कंसेशंस, ये एक नई चीज आ गई जनाब। कंसेशंस दो तरह की हैं, एक आपकी अर्ली कंसेशंस है और यानी आप कह लेंगे प्री इंडिपेंडेंस की कंसेशंस जो कि डायरेक्टली वेस्टवर्ड में तो नहीं आनी, लेकिन एक टेंडेंसी जनरली ये आपकी ट्रीटी बड़ा ये फ्रेंच रेड इंडियंस यानी कि लोकल इंडियंस और अमेरिकन के दरमियान ट्रीटी प्री इंडिपेंडेंस में अर्ली 18th century में के जिसके जरिए जो है ये ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में जो थी अमेरिकन आते जाते रहेंगे,
इंडियन एरियाज में, ओहायो की ग्रैंड पट्टी से लेके ऑल द वे सेंट लुइस से फिर मिजूरी, उस वक्त का जब स्टेट तो नहीं बना हुआ था जाहिर है, लेकिन ये हमारे उसमें नहीं है। लेकिन हमारे उसमें क्या है जो जवाब में वो आएगा फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में। पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन सी हमने कंसेशन की? ये जनाब बड़ी कंसेशन सबसे बड़ी तो 1814 की है जी, 1814 की ट्रीटी ऑफ घेंट है जी। ट्रीटी ऑफ घेंट में बड़ा मजेदार काम है, अमेरिकन जो है वो कनाडा क्लेम करते थे, अबैंडन किया इन्होंने, और यूके जो है वो इंडियंस के लिए बफर स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स के एरिया में बनवाने का ख्वाहिशमंद था, उसने इसको अबैंडन किया। तो रिजल्टेंटली ये इंडियन एरिया में भी दाखिल हो गए, जो आज के आर्कनसास और आर्कनसास और मजूरी और उससे बियॉन्ड के जो एरियाज हैं उन तो उनमें कामयाब हो गए। आज भी अब ये एरियाज थोड़े से आपने इनको यानी कि मेन स्ट्रीम यूनाइटेड स्टेट्स के लॉज इन एरियाज पे अप्लाई नहीं होते, लेकिन वो वायलेट भी नहीं कर सकते। इंडियन ट्राइब्स को आप रजिस्टर कर रहे होते हैं और वो अपनी सेपरेट एंटिटी बरकरार रखी हुई है, लेकिन ये ग्रैंड स्टेट एक ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो एक तो ये ट्रीटी ऑफ घेंट हो गई 1814 की। इसके अलावा भी इनकी कंसेशन में फिर दूसरा जो आस्पेक्ट है वो जरा ओरेगॉन और वॉशिंगटन, ये जो एरियाज है कैलिफोर्निया से ऊपर के एरियाज, ये भी इनके ब्रिटिश के साथ जो है वो इस पे क्लेम मौजूद थे, और ये भी ब्रिटिश के साथ इन्होंने मुकम्मल तौर पर कनाडा के एरिया से हम वेस्टर्न ईस्ट वाले पार्ट को तो यहीं पे इन्होंने ड्रॉप कर दिया, और ईस्टर्न कनाडा के पार्ट्स को, वेस्टर्न कनाडा साउथ वेस्टर्न आप कहने करें उसको, फिर इस ओरेगॉन वॉशिंगटन के कॉन्टेक्स्ट में ये इनको मिल गए, और कनाडा की तरफ इन्होंने बिल्कुल अपनी जो एक्सपेंशन उसको अबैंडन कर दिया। सो ये पार्ट जो है वो लार्जली से पहले स्पेनिश के साथ भी हैं इनके, लेकिन वो ज़्यादा इंडिपेंडेंस से पहले वाले को हमने डील कर दिया। हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, तो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन आपकी वो तो 19 अर्ली 19 सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो पहले जो हुआ उसकी जरूरत नहीं। सो इस पैटर्न पे इस जो आपने चलना था कि क्या क्या आपने परचेजेस में एक्सपेंड किया, क्या क्या आपने कंसेशन में एक्सपेंड किया, और क्या क्या आपने एनेक्सेशन में एक्सपेंड किया। शुरू की कहानियां नहीं लिखनी याद रहे, क्यों? क्योंकि वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन वो बाद की है जी। द वेस्ट वर्ड एक्सपेंशन वाज अ स्टोरी ऑफ दिस 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 सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। सो हमने पोस्ट में, प्री में नहीं चले जाना, हमने पोस्ट में रह के बताना। तो उसने बड़ा टेक्निकल बड़ा मजेदार सवाल जो है वो ये किया। आगे चलते हैं जी, बहुत आसान सवाल है, पेज नंबर 340, 341, 342, बस पढ़ जाए। आपको सिविल वॉर पे कोई मार नहीं दे सकता। प्रॉपर ट्रेंड हिस्टोरियंस के व्यू क्या हैं ऑन सिविल वॉर वो पूछेंगे, और उन्हीं में से जो एक ग्रुप है उसी का ये सवाल बना के उसने पूछ लिया, अमेरिकन सिविल वॉर वाज एन आउटकम ऑफ क्लैश ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एज वेल एज सोशल आइडियल्स डिस्कस। तो जब आप ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि जनाब ट्रेडिशनलिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं इसको, कॉजेज को सिविल वॉर की। फिर आपको मिलेंगे रिवियनिस्ट, रिवियनिस्ट कैसे वॉर को एवेलुएट करते हैं, और फिर आपको मिलेंगे जनाब सोशल एंड कल्चरल हिस्टोरियंस के वो कैसे इसको देखते हैं। सो ये रिवियनिस्ट लार्जली इसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट में देखते हैं, ठीक है जी। सोशल एंड कल्चरल इसको सोसाइटी की कंपोजिशन और करेक्टर ऑफ द पीपल, टेम्परेंस, ब्ला ब्ला उसमें देखते हैं। सो वो अदर देन ट्रेडिशनलिस्ट, उसने आपसे ये दो के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया कि जनाब ये कैसे वॉर को देखते हैं। मसलन उसमें से कुछ ऐसे वो अदर देन ट्रेडिशनलिस्ट वो कहते हैं जनाब ब्लंडरिंग जनरेशन ऑफ लीडरशिप, ये भी रीजन है जी सिविल वॉर के। वो क्या कहते हैं जी क्लैश ऑफ लेबर आइडियोलॉजी, ये भी रीजन है जी, ठीक है जी। उसके बाद जनाब अर्बन, सॉरी अर्बन कह रहा हूँ, हाँ सॉरी सॉरी इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल नॉर्थ वर्सेस एग्रेरियन साउथ, ये भी रीजन है जी। सो वो इस तरह रीजंस को डिवाइड कर रहा था। फिर साउथ आपका एक उसमें एक ब्रिटिश कल्चर, सुपरियोरिटी सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश कल्चर, नॉर्थ अमेलगमेशन ऑफ कल्चर्स। सो ये बहुत सी रीजंस वो इन तीन चार पेजेस में आपको मिल जाएंगे। तो उसने यही पूछा आपसे, उसने अदर देन स्लेवरी, ठीक है, आपसे बाकी चीजों का पूछा, और स्टूडेंट्स ने क्या किया जाके वो स्लेवरी 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 लिखा।
सवाल को पेपर में एक नजर देख के बस ना समझ जाएं कि आपको सवाल का जवाब आता है, आप लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। उसको तसल्ली से सवाल को समझने की कोशिश करें कि वो पूछना क्या चाहता है। उसको वो जवाब नहीं, उसको आपके रटे रटाए नोट्स का जवाब नहीं चाहिए। सो जनाब आगे देखते हैं जनाब। अगला सवाल बड़ा मजेदार सवाल है जनाब। ये 7 नंबर है पेपर में सवाल। फीचर ऑफ द न्यू रिसेंट वेव ऑफ नेशनलिज्म इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। नेशनलिज्म इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अच्छा जी, अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ा मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल। अब बात यह है कि भाई ये जो ट्रेंड है, आप उसको कह रहे हैं कि जो न्यू ट्रेंड हमें नजर आता है वो लार्जली फॉलो कर रहा होता है इसका इसका मैं जो आप कह रहे हैं कि ट्रम्प के कॉन्टेक्स्ट में वो चल रहा है जनाब इकोनॉमिक, या चला अब तो वो चला गया इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। अब ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म जनाब अमेरिका फर्स्ट, ये तो इवन इसकी तकरीर में मौजूद है। और उसी अमेरिका कॉन्टेक्स्ट में आप कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी टू एडवांस डोमेस्टिक इकोनॉमी। फॉरेन पॉलिसी भी हमारी ऐसी होगी कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को हाईलाइट करे, हिट करे। तो उसने यहां से आपसे सवाल पूछा जनाब, आ उसी में रहा है नेशनलिज्म इन फॉरेन पॉलिसी, सॉरी यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म कैसे, एक तो आपका डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में और एक आपका। बात यह कि देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग न्यू इन ट्रंप्स फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन नेशनलिज्म। ये रेप्लिका है, इसमें हमें रेप्लिका नजर आता है किस किस का, 4 वेरिएशंस नजर आती हैं जी हमें पास्ट की, जिनका ये एक रेप्लिका है इकोनॉमिक नेशनलिज्म एज अ टूल, एज अ टूल यूज्ड फॉर फॉरेन पॉलिसी। पहला इसका वो एंड्रयू जैक्सन है जनाब, इसीलिए हम देखते हैं ट्रंप ने एंड्रयू जैक्सन की तस्वीरें लगा दी थी व्हाइट हाउस में कि ये यही बंदा ठीक है। एंड्रयू जैक्सन की पॉलिसी सेम लाइन पे, इकोनॉमिक नेशनलिज्म के लाइन पे, आम आदमी की बात करो, पुअर आदमी की बात करो, तो ट्रंप ने भी यही चीज। फिर दूसरा जो है वो आपका बाबा है हेनरी क्ले। हेनरी क्ले का बड़ा मजेदार तस्वुर है अमेरिकन सिस्टम। ये इमीडिएटली आप, ये जो आपकी 1812 की वॉर थी यूके के साथ उसी दौर में, ये भी लार्जली आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन पॉलिसी ऑपरेटिव होगी। एंड्रयू जैक्सन ने भी यही किया। फिर तीसरा जो एस्पेक्ट है इसका वो प्रेसिडेंट जेम्स पॉल्क है। जेम्स पॉल्क 1840s का बड़ा मशहूर प्रेसिडेंट है, इसके दौर में जिस तरह जंगे हुई उसके साथ, मेक्सिको के साथ में बड़ा एग्रेसिव प्रेसिडेंट रहा जेम्स पॉल्क। उसकी पॉलिसीज भी इसी न्यू नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। फिर उसके बाद आपका चौथा 1880s के रिपब्लिकन्स, लास्ट डेकेड के रिपब्लिकन्स, जो लास्ट डेकेड के आपके रिपब्लिकन्स हैं वो जनाब प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स वो लगाते हैं अमेरिकन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, 1880s के लास्ट के रिपब्लिकन्स। सो हजूर कुछ नया नहीं आ रहा, जो न्यू वेव ट्रंप लेके आया है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में वो बेसिकली इकोनॉमिक नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में है। इट इज नथिंग न्यू, इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड, आई एम सॉरी, इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड इन द पास्ट। ये पूरा एक हिस्टोरिकल नैरेटिव उसके साथ आप उसको चला के लेके आ रहे हैं, तो इन्हीं से उसके फीचर डिराइव हो रहे हैं जी। सो ये आपको लगता है कि करंट अफेयर का सवाल हो गया, उसने करंट अफेयर का सवाल पूछ लिया। सो इस बात को समझें कि जब आप आईआर का पेपर दे रहे हैं उसकी आउटलुक और है, जब आप हिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं उसकी आउटलुक और है, जब आप पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर का पेपर दे रहे हैं। ये हिस्ट्री का बस एक पेपर और रह गया, वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद फिर मैंने आईआर के 2 पेपर किए हैं 16 और 17 का, तो फिर मैं 18 19 20 के भी शुरू कर दूंगा, और वो करने के बाद फिर मैं यहाँ आ जाऊंगा पाक फेयर करंट फेयर में। आई एम होपफुल बाय द एंड ऑफ दिसंबर मैं ये सारे अपलोड कर चुका हूँ। आई वुड हाईली इनकरेज कि बाकी टीचर्स भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वो आगे आए और इसी तरह अपने पेपर्स डिटेल में, कि एटलीस्ट बच्चों को एक स्ट्रक्चर तो बना दें कि
अब ये मेरा काम नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको अमेरिकन सिस्टम पूरा डिटेल में बताऊं। अब मैंने आपको बता दिया, अब आप इसको खोल के पढ़ लें कि अच्छा ये यहाँ पर इस तरह लिंक होता है। जेम्स पॉल का इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या था, उसकी 4-5 लाइनें, एक स्ट्रक्चर तो आप दें स्टूडेंट को ताकि वो उसको फिर इन कर सके, और सोर्स बता दें जिस तरह ये हेनरी हेनरी नॉक्स, सॉरी मैं कह रहा हूँ इसका, एलन ब्रिंकले और गैरी नैश, दोनों में से जिस मर्जी को लेने, प्रेफरेबल है कि आप उसको ले लें, एलन ब्रिंकले को ले लें। तो उसमें आपको जाहिर है ट्रम्प नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें आपको जेम्स पॉल्क मिलेगा, है आपको जो है वो हेनरी क्ले के आइडियाज मिलेंगे, उसके बाद आपको हेनरी जैक्सन के आइडियाज मिलेंगे, रिपब्लिकन्स के प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ्स मिलेंगे, तो आप उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लें। सो पेपर डिस्कशन होनी ऐसी चाहिए कि कम अज कम एक स्ट्रक्चर आप बना के दें स्टूडेंट को कि भाई ये जवाब में क्या लिखना था और क्या नहीं लिखना था। आगे चलते हैं जी, आई गेस सारे हो गए, पिछले क्लिंटन कॉन्फेडरेशन, फ्रैंकलिन, एनेक्सेशंस, सिविल वॉर, नेशनलिज्म। ओके, डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस विद रेफरेंस टू सिविल राइट्स मूवमेंट लेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छा जी, आप थोड़ा सा उसको फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस बता दें, कहाँ से डिराइव हुई, ऑफ कोर्स गांधी से डिराइव हुई, गांधी का और लूथर का कनेक्शन क्या है भाई, ये लेट 1960 के करीब ये लूथर इंडिया आया था ना जी, और वहां से फिर इसने गांधी को बहुत ज्यादा पढ़ा, समझा, लोगों से बातें की और वो बड़ा इंप्रेस हुआ इससे। सो ये नॉन वायलेंस का आइडिया, ये फिर एक बहुत इसका ये यानी आपने डिटेल में बतानी है चीज, फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस है क्या गांधी की, और कैसे लूथर उससे इम्प्रेस हुआ, कैसे वो इंडिया का विजिट हुआ, और वो फिर ये आइडियाज लेके वो वापस यूनाइटेड स्टेट्स आया, और यूनाइटेड स्टेट्स आके फिर उसने जो इसकी मैनिफेस्टेशंस की, उन मैनिफेस्टेशन में वो दो बड़ी मैनिफेस्टेशन और इतनी डिटेल में है कि आप उनको बताएंगे तो आपका ये 20 नंबर का सवाल बन जाता है। यानी कुछ तो आप इसी को, ये आपको तकरीबन तीन तीन दो तीन पैराग्राफ तो, बल्कि मतलब 3 का पैराग्राफ तो 70 वर्ड्स ईच, वो इस पे निकल जाएंगे, फिर आप बताएंगे। तो वो है द सिटेंस, सिटेंस ये चर्च में, चर्च इंस ये मॉटल इंस, ये उसके बाद आपके रीड इंस, उसके बाद आपका और था बीच इंस, उसके बाद आपका ओरिजिनल सिटेंस, इन सब की डिटेल बता रहे होंगे। करते क्या थे काले जाके गोरों की जगहों पे चर्च में जाके बैठ के, बस कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, बस बैठ के पुलिस आती थी, उठाती थी, ले जाती थी, जुर्माने करती थी, कोई वायलेंस नहीं करनी, बस बैठ जो जाके। लाइब्रेरीज में कालों के लिए अलहदा जगह, गोरों के लिए अलहदा जगह, ये काले इनकी जगहों पे जाके बैठ जाते थे, बस बैठ जाओ, कुछ ना बोलो, बैठ जाओ। बीचेस पे भी यही करते थे, ये मोटल्स में भी यही करते थे, रेस्टोरेंट्स में भी, ओरिजिनल सिटिंग्स जो लार्जली यूनिवर्सिटीज में होती थी। सो ये सारी जगहों पर गोरे फिर इनको तंग करते थे इनको, लेकिन ये आगे से ना जनाब लीडर ने कह दिया आगे से रिएक्शन कोई नहीं करना, वायलेंस को नहीं करनी, बैठे रहो। अब पुलिस आती थी, पकड़ती थी तो पकड़ के ले जाओ, और ये साथ फिर एक मूवमेंट पूरी चली, जेल नॉट बेल। अब जेल नॉट बेल मुकम्मल तौर पे ये गांधी से ये भी डिराइव हुआ था, जिसको हम कहते हैं ना जनाब जेल भरो तहरीक, ये हिंदुस्तान में बड़ी दफा चली, ठीक है। तो जेल नॉट बेल, पकड़ के ले जाओ, बेल नहीं करवानी, बस भरी जाओ जेल में, भरी जाओ जेल में, एक डिमॉन्स्ट्रेशन का। और उसके बाद साथ इस एस्पेक्ट के साथ फिर आपके जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशंस, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस, ये आइडिया भी इसने साल्ट मार्च से, जो गांधी जी ने 1930 में की थी साल्ट मार्च, डिमॉन्स्ट्रेशंस जनाब अलाबामा में हर रोज हर जगह पे, सॉरी ये दिखना, और ये डिमॉन्स्ट्रेशंस की पीक जो है वो फिर वॉशिंगटन में हुई, जब वो जहां उसने स्पीच की, आई हैव अ ड्रीम, बड़ी मजेदार स्पीच है यूनाइटेड स्टेट्स की तारीख की, सुनिएगा जरूर। सो ये इस तरह आपने इस सवाल को लेके चलना कि कैसे गांधी से वो इम्प्रेस हुआ, और कैसे जो है वो दो बड़े एस्पेक्ट्स जो है, इनफैक्ट तीन ही बना लें, मैं उसको दो कह गया यहाँ पे, आप उसके सॉरी यहाँ से, एक सिटिंस का आइडिया आ गया, दूसरा आपका जेल भरो तहरीक का आइडिया, और तीसरा आपका पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन का आइडिया आ गया। और ये पे हुए फिर आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं फिर 1965 में जनाब वोटिंग राइट्स जो है वो पूरे मुकम्मल ग्रांट हुए कालों को। सो दिस इज जी, ये था
नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ मैं पेपर डिस्कस करूंगा, कल ही कर दूंगा अपलोड में यूनाइटेड स्टेट्स का 2020 का पेपर, और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आईआर के भी बाकी अपलोड कर दूंगा इसी तरह डिटेल में, एंड आखिर में फिर करंट अफेयर पेपर। आई एम होपफुल के बाय द एंड ऑफ दिसंबर मैं ये सारे पेपर्स अपलोड कर दूंगा। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, एनी इशू, एनीथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, माई नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।